अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको नज़र का मसला है, जिनकी आई साइट वीक है, तो उनके लिए बहुत ही अहम टॉपिक है ये। लोग वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम बनाते हैं आपको मिलती रहे। अब अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आई फ्लोटर्स के मैं कॉजेस इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे कि ये होते क्यों हैं। आई फ्लोटर्स, अगर आपकी आंख में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई विट्रस डिटैचमेंट है, कोई रिटाइनल डिटैचमेंट है, या पर्दे का किसी किस्म का मसला हुआ है, तो आपको ये फ्लोटर्स हो सकते हैं। स्पेशली आई इन्फेक्शन के बाद यंग अडल्ट्स में या फिर इन्फेक्शन के बाद ज़्यादातर देखे गए। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपको फ्लोटर्स महसूस हो रहे हैं, फ्लोटर्स मीन आपको अगर कोई वाइट बैकग्राउंड है उसके सामने अगर आपको कोई छोटे छोटे धागे या डिफरेंट किस्म के फ्लोटर्स होते हैं, या आपको कुछ बारिश के कतरों की तरह और इस तरह की चीज़ें फील हों, अगर कम है तो आप इसको इग्नोर करें, अपने सर पे सवार बिल्कुल ना करें। और अगर ज़्यादा फील होता है आपको आई फ्लोटर्स, धब्बे से या आसमान की तरफ देखने से आपको धब्बे फील होते हैं, तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए, इसको इग्नोर ना करें। थैंक यू।